नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं त्रिलोक गोगिया। बात आगे करते हुए, स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का प्रेसिडेंट चुना गया। उनका यह चुनाव वर्ष 2020-21 के लिए किया गया। 11, 12 व 14 दिसंबर में होने वाली फिक्की की 93वें वार्षिक आम बैठक में वह फिक्की प्रेसिडेंट और अपोलो हॉस्पिटल के ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। उदय शंकर भारत में मीडिया और इंडस्ट्री के पहले ऐसे एग्जीक्यूटिव है जो फिक्की जैसे नेशनल इंडस्ट्री चैम्बर के नेतृत्व करेंगे। बता दें कि डिज्नी और स्टार में अपनी लीडरशिप भूमिका के अलावा उदय शंकर ने देश में मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर की ग्रोथ को एक नया आयाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि इंडस्ट्री में स्टार होल्डर के साथ साथ कंज्यूमर्स को भी लाभ मिल सके। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में कंटेंट के रेगुलेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में डिजिटलाइजेशन जैसे उल्लेखनीय पहल में के मामलों में वे अग्रिम मोर्चे पर रहे हैं। उदय शंकर पूर्व में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के प्रेजिडेंट और फिक्की के मीडिया और इंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। देश में टेलीविजन न्यूज़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उदय शंकर ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। कर्नाटक के न्यूज़ चैनल सुवर्णा न्यूज़ ने एक एसोसिएटेड सुवर्णा न्यूज़ के रूप में अपनी रीब्रांडिंग की घोषणा की है। इस बारे में एशियानेट न्यूज़ मीडिया और इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के CEO अभिनव खरे का कहना है, क्षेत्र में सुवर्णा न्यूज़ जैसे से एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरा है और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में अपना नेतृत्व कायम किया है। अपनी पहचान में एशियानेट न्यूज़ को शामिल करने के साथ एशियानेट सुवर्णा न्यूज़ को एक बड़ी पहचान मिली है। एशियानेट न्यूज़ नेटवर्क को लाभ मिलने के साथ क्षेत्र में उसकी बेजोड़ विशेषता स्थापित होगी। एशियानेट सुवर्णा न्यूज़ में एडिटर जनरल चीफ रवि हेगड़े का कहना है कि नई पहचान में प्राइम टाइम के दौरान नए शो के शुरुआत के साथ साथ एक रोमांचक और नया रूप महसूस किया है जो कर्नाटक न्यूज में जानर और गेम चेंजर होगा। यदि आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो आपकी उसकी सेवा शर्तें को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। व्हाट्सएप की नई सेवा शर्तें 8 फरवरी 2021 से लागू हो रही हैं, जिसमें कहा गया है यदि आपको व्हाट्सएप की सेवा शर्तें मौजूद नहीं हैं तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट की डिलीट कर सकते हैं। हालांकि नई शर्तों के लेकर व्हाट्सएप की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। व्हाट्सएप के नए फीचर और अपडेट को ट्रैक करने वाली साइट वेब बैटीफिनो ने व्हाट्सएप की नई शर्तों का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि फेसबुक बिजनेस के लिए आपके चैट को कैसे स्टोर और मैनेज करेगा। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने भी नई शर्तों को लेकर पुष्टि की है और कहा है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए उसकी शर्तों को मानना ही होगा। नई सेवा शर्तें 8 फरवरी से लागू हो रही हैं, हालांकि इसमें बदलाव होने की संभावना है। देश में वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत भारतीय कंपनी रुपे कॉन्टैक्टलेस डेबिट को क्रेडिट कार्ड जारी की थी। इन कार्ड्स की मदद से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर शॉपिंग मॉल तक आसानी से भुगतान कर सकते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को कॉन्टैक्ट कार्ड पेमेंट के नियम में थोड़ा बदलाव किया, जिसके तहत आप कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5,000 रुपये तक का भुगतान बिना किसी पिन के आसानी से कर सकेंगे। यह सुविधा 1 जनवरी 2021 में पूरे देश में लागू होगी। आपको बता दें, अभी तक कंटिन्यूस डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के केवल अधिकतम 2,000 रुपये तक ही भुगतान और बिना पिन के किया जा सकता था। क्रिकेट के बाद जैविक खेती करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही झारखंड के किसानों को निःशुल्क गायें मुहैया कराएंगे। इस दिशा में उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। रांची के ही
कहा कि प्रचंड स्थित संभव में उनका फार्म हाउस है जहां वह माही का सपना आकार ले रहा है, जहां डेनमार्क की गांव की तरह नई नस्ल की गायें तैयार की जा रही हैं। माही की सोच किसानों को ऐसी गायें मुहैया कराने की है जो अधिक से अधिक दूध दें और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। बहरहाल माही ने अपने इस योजना को सार्वजनिक नहीं किया है। फार्म हाउस में काम करने वाली माने तो जब फार्म हाउस तैयार किया जा रहा था तभी माई ने ये विचार जाहिर किया था कि माई अपने इस योजना को केंद्र सरकार के पशु चिकित्सा की मदद ले रहे हैं जो उनके मित्र भी हैं। धोनी की योजना लगभग एक साल बाद किसानों के बीच गांव के वितरण की है। धोनी जिन किसानों को गाय देंगे उसका पूरा वितरण अपने पास रखेंगे, समय समय पर किसानों के पास जाकर खुद गाँव की स्थिति की जानकारी लेंगे और जो किसान इन गाँव को देख रेख सही तरीके से नहीं करेंगे उनसे गाय वापस लेंगे। धोनी के फार्म हाउस में ये अभी तक लगभग 105 गायें हैं जो हमें अभी तक पता चला है। मुंबई के स्टार्टअप रॉयल्टी फ्री रेल यात्रियों की बहुत सी परेशानियों का हल निकला है। रॉयल्टी ने अपने ऐप में ऐसा फीचर जोड़ा है जिससे यात्रियों को उनके मोबाइल पर PNR स्टेटस, ट्रेन जर्नी इंफॉर्मेशन, ट्रेन लाइव स्टेटस समेत कई जानकारियां मिलती रहेंगी। रेल लोफाई के नए फीचर को लुफ्त उठाने के लिए यूजर को व्हाट्सएप नंबर पर अपना 10 डिजिट का PNR नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद स्टेशन अलर्ट समेत कई तरह की जानकारियां यात्रियों को व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए यात्री को व्हाट्सएप नंबर 9198811939322 नंबर पर एक बार अपना डिजिटल का PNR नंबर शेयर करना होगा। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसके निर्देशानुसार घर बाहर पोस्टर लगाने के बारे में कोई निर्देश नहीं है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ को सरकार ने यह जानकारी दी कि सरकार और स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद पीठ से ग्रस्त मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने का सिलसिला बंद करने के लिए कुछ कावड़ा की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। आधार कार्ड बेहद जरूरी सरकारी दस्तावेज है। UIDAI द्वारा जारी होने वाले आधार कार्ड में यूजर का बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारियां दर्ज होती हैं। आधार कार्ड की उपयोगिता इसी बात से साबित होती है कि बिना आधार कार्ड के आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं कर सकते। ऐसे में यदि आपके आधार कार्ड में कोई पुष्टि है तो आप काफ़ी परेशान सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर आपको आधार कार्ड में सुधार के नियम को जानकारी देते हुए तो आपकी परेशानी दोगुनी बढ़ जाती है। ऐसे में हम आपकी परेशानी कम करने वाले हैं। आपको आधार कार्ड में सुधार नियम को जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। आधार पंजीकरण एकदम मुफ्त है और यह पूरी तरह से फ्री में बनता है। भारतीय विशिष्ट पहचान सुरक्षा प्राधिकरण ने गुरुवार को एक ट्वीट करके कहा कि आधार पंजीकरण फ्री है और आधार को अपडेट कराने के लिए शुल्क पहले से तय किए गए हैं। यदि आप कोई भी इसमें कोई अतिरिक्त राशि मांग करता है तो आप 1947 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश के प्राइमरी स्कूल में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे तकनीकी से जोड़ने की कोशिशों के कारण महाराष्ट्र के ग्रामीण शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला। 32 साल के विजेता रंजीत सिंह दिसाले को इसके तहत $10,00,000 लगभग 7,38,00,000 रुपए का पुरस्कार मिला। दिसाले अब राशि को आधा हिस्सा अपने साथियों को देने का ऐलान कर चुके हैं। स्कूल में पूरी तरह से बंद पड़े स्कूल में डिजिटल लर्निंग को हो तो रही है लेकिन वह काफ़ी नहीं है। खासकर लड़कियों इसमें पीछे जा रही हैं क्योंकि उनके साथ में मोबाइल कम ही आता है। वहीं इसी दौर में देश को एक छोटे से गांव के शिक्षक ने लड़कियों की पढ़ाई में शानदार योगदान दिया। कहानी शुरू करते हुए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्रतापवादी गाँव से एक साल 2009 में दिसाले जब वहाँ प्राइमरी स्कूल पहुँचे तो स्कूल के हाल बेहाल थे। स्कूल के नाम पर जो इमारत थी वह पूरी तरह
बुरी हालत में थी, साफ लगता था कि वह पशुओं के रखने और स्टोर रूम के काम आती थी। लोगों को अपने बच्चों खासकर लड़कियों को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उनका मानना था इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। तो मैं सिलसिलों का आगे भी जारी रखते हुए सभार समाचार फोर मीडिया भड़ास फोर मीडिया डेली हैंड एंड डेली होम, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।